जय हिंद दोस्तों। व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे सब लोग? कट्टा भी बढ़िया और बढ़िया ही रहना। तो थोड़ा बहुत ही कह रहे उसे इग्नोर करो। और फाइनली आज हम जा रहे हैं एक फैमिली ट्रिप पे, और कहाँ जाएंगे वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिए, तब तक थोड़ा बहुत टाइम लेप्स इंजॉय कीजिए। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल खरे हैं जबकि वो तो रुके हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट 220 या 230 किलोमीटर दूर से हमारा डेस्टिनेशन, इसलिए तो फ्यूल अप करवाना चाहिए, वरना तो गाड़ी कैसे पहुंचेगी बिना तेल के भाई। आरी 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 अब तो आ रही बारात, अब ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार। ओ नित नित लाके रंग सवारी है जहां या ना, अरे बोलो ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, अब चल जाने दे जो भी बीत। ओ जगे ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंस। तो हम यहाँ से पहुँच गए थे नोगा सर्कल पे, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट मुड़ते तो गुवाहाटी शिलोंग की ओर चलते, और अगर हम सीधा जाते तो नोगा सिटी की ओर, और अगर हम राइट जाते तो नाजिरा शिव सागर, और फिर मतलब इस वाले रोड से जाते तो हम कहाँ जा रहे हैं वो बता देते हैं। चलिए छोड़िए, आगे बताता हूँ, आप वीडियो को देखते रहे, वीडियो स्किप मत कीजिए। यहाँ पे मतलब ईट जो होता है जिसे घर बनता है वो बनता है यहाँ पे, इन सब में बनता है ईट। और ये जो रेड कलर का आप लोग बाजू में देख रहे हैं वो तो है मस्जिद का एक पार्टी, जहाँ लोग पैसा वैसा देते थे। ये पहले हाईवे की मतलब अभी जो हाईवे है वहाँ के बीच पे ही था, उसे जैसा था ऐसा उठा के साइड भी लगा दिया लोगों ने। अभी तो खुला बुंदा आके पहुँच गए, और यहाँ आके कुछ चाय पानी नाश्ता वास्ता किया, और आगे जाके रुकेंगे एक जगह पे, अबला पार जाके रुकेंगे और भी दिखाएंगे वहाँ का कैसा है। और वीडियो स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ से बूढ़ा पहाड़ स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग बूढ़ा पहाड़ का पूरा नज़ारा इंजॉय कीजिए, और कमेंट बताना कि आप लोग को बूढ़ा पहाड़ कैसा लगा। हर साल आले याद तेनू करते रहे, कोई साडे वांग करूगा तो पता लगूगा। दिल नाले लारे नी तू लाउण वाली ए, दिल तेरा जदों टुटूगा तो मेरे दिल नाले लारे नी तू लाउण वाली ए, दिल तेरा जदों टुटूगा तो पता लगूगा। दिल नाले लारे नी तू लाउण वाली ए, दिल तेरा जदों टुटूगा। कहती हुंदी सी चल तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे, उन्हां तारिया दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा। दिल नाल लारी आगे छोटा सा व्यू पॉइंट है जहाँ से थोड़ा बहुत ब्रह्मपुत्र का किनारा दिखा जा सकता है। तो वो जो व्हाइट व्हाइट पानी जैसा दिख रहा है वही है हमारा ब्रह्मपुत्र, आसाम का मतलब आसाम का लार्जेस्ट है शायद, और इंडिया में किसी नंबर पे रैंकिंग कर रहा है वो पता नहीं, मैं भूल गया।
तो यही है ब्रह्मपुत्र, और बूढ़ा पहाड़ से देखा जा सकता है, एक व्यू पॉइंट है बूढ़ा पहाड़ पे। और आगे बहुत सारे राइनोज और वाइल्ड एलिफेंट्स भी दिखते हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, आप इंजॉय कीजिए। और आगे देख सकते हो तो वानहोर्न राइनो है, जो आसाम का काफ़ी फेमस है वानहोर्न राइनो। दो दो है भाई, कैमरा में छोटा दिख रहा है पर असल में अगर आप लोग देखते भाई ये मस्त, मतलब बहुत बड़े है गाइस, बहुत बड़े है, कैमरा में बहुत छोटा दिख रहा है पता है। पता नहीं आज कैसे हमारा नसीब खुल गया भाई, और जहाँ भी जा रहा है तो बूढ़ा पहाड़ के और व्यू पॉइंट से, मतलब जितना भी दूर जा रहे थे राइनोज ही राइनोज दिख रहे थे, पहले ऐसे मतलब नहीं दिखे एक साथ इतने राइनोज हमने। तो देखिए गाइस आप लोग भी देखिए, इंजॉय कीजिए। और यहाँ पे ब्लैक राइनो है तीन और वाइट दो राइनो है, एक माँ और एक बच्चा है। तो गाइस यहाँ पे हम काजीरंगा के अंदर ढूंढ रहे थे और हमें दिख गया एक जंगली हाथी, काफ़ी बड़ा है भाई, अगर आप लोग सामने देखते तो आप लोग को पता चलता, और शायद ही आप लोग को पता होगा कि कैमरा में जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा दिखता है रियल लाइफ से। सो गाइस ये छक्के नहीं है हमारा, मतलब इंडियन लड़कियों का क्रश है BTS, और काफ़ी लोगों को लगता है कि ये लोग छक्का है, और मुझे भी लगता है कि ये लोग छक्के हैं भाई, और ये तो एक नंबर छक्का है बॉस। तो आप लोग बताना कि आप लोग BTS लवर हो या हेटर हो। तो गाइस हमें काफ़ी भूख लगा था इसलिए हम रुक गए थे घाट MBS रेस्टोरेंट में, और ये कुछ है नज़ारा MBS रेस्टोरेंट का है आगे। तो गाइस जैसा कुछ नज़ारा है MBS रेस्टोरेंट का अंदर का, और अगर आप लोग कभी आते हो अपर सामने जो आपको घाट में MBS है, आप ज़रूर यहाँ पे विजिट करना, बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो बस यही था, और अभी घाट से निकल जाएंगे। तो गाइस अभी हम आगे पहुंच चुके हैं दरगाह, और दरगाह यानी कि गुलाघाट का ही एक एरिया है। तो अब मैं बता देता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने मासी के घर नाहौरी, काफ़ी जाना माना नाम है यार, अगर सुना ही होगा शायद आप लोगों ने। और अगर नाहौरी को नहीं पहचानते हो आसाम पे रहते तो भाई क्या ही पहचानते हो तुम लोग। तो टाइम अभी काफ़ी हो चुका है, ऑलमोस्ट 8 बज चुका है, हम घर से निकले थे 2 या 2:30 बजे, धीरे धीरे आए थे पूरा, मतलब आप लोग को जगह दिखाने के चक्कर में बहुत लेट हो चुके थे हम अपने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम, मतलब 5 घंटा लगा हमें यहाँ तक आने के लिए। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, क्योंकि आज से जो धमाकेदार व्लॉग आने वाले हैं भाई, नेक्स्ट लेवल व्लॉग आने वाले हैं आज से। तो स्टे ट्यून्ड।